हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? चलिए आज बनाते हैं करेले की भरमा सब्जी। करेले को इस तरीके से काट लेंगे, नमक डाल के उबलने के लिए रख देंगे, 10 मिनट तक उबाल लेंगे। देखिए करेला में हमारी उबल गई है। इसको ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। इसके सारे बीज निकाल लेंगे इस तरीके से चीरा लगाकर। सारे को इसी तरीके से बीज निकालेंगे। हल्के से चीरा लगाया, करेला हमारी सीझी हुई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 डाल कर मसाला को फूलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से सब्जी एक बार बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी लगेगी। करेले का जो बीज निकला था इसको पीस लेंगे। उसी में लहसुन डाल देंगे, 8-10 कली। इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। मसाला भी हमारी फूल गई है। अब इसको मसाला तैयार करते हैं। 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे, 1 बड़ा प्याज लेंगे बारीक काट कर, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी भुंज गई है, इसमें मसाले डाल देंगे। एक टमाटर काट कर डाल ले लिए हैं, इसको भी इसमें डालकर भुंज लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। बीज का पेस्ट भी डाल देंगे, उसको भी भून लेंगे साथ में। मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। एक नींबू डालेंगे, नींबू को पहले प्लेट में निचोड़ लें, उसका सारा रस निकाल लें, उसका बीज निकाल कर उसमें डाल दें। एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, सभी मसाले को मिला लेंगे। देखिए हमारी मसाला तैयार हो गई है। थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे,
अब इस तरीके से चम्मच के मदद से मसालों को भर लें। इसी तरीके से सारे करेले में मसाले भर लेंगे। फिर से कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। और करेले को फ्राई करेंगे, इस तरीके से उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। इस तरीके से सब्जी बनाकर खाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी बनी है।